कब कर रहे हो? कौन होगा वो लकी इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बहुत बार सुनना पड़ेगा जैसे ही आप 18, 20, 22 साल की उम्र पार करोगे। और ये ऐसे सवाल हैं जिनको आप कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश करते हो, लेकिन इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल है जो हर वो इंसान जानना चाहता है जो इस उम्र को पार कर चुका है और जिसने अभी तक शादी नहीं करी है, कि वो सही जीवन साथी कैसे चुने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कैसे आप अपने लिए सही जीवन साथी चुन सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स और पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिनको समझ करके आप अपने लिए एक सही जीवन साथी चुन सकते हैं। देखिए, वैसे तो जीवन साथी चुनना जितना आसान दिखता है ना, उतना एक्चुअल में है नहीं। स्पेशली कुछ लोगों के लिए तो नहीं होगा, और खास करके जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, उन पर प्रोफाइल्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ पार्टनर को चूज करना इज नॉट इजी टास्क फॉर मेजोरिटी ऑफ यूथ। हमारे कंट्री में इस सवाल का जवाब पाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, एक इंडियन फैमिली में डाइवोर्स कोई कॉमन चीज नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप गलत जीवन साथी चुन लेते हैं तो आप उससे तलाक लेकर के आराम से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। इसलिए हर युवा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसे अपने होने वाले जीवन साथी में क्या खूबियां देखनी चाहिए और उसे चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे कि भैया हमने तो हमारे माँ बाप की पसंद से शादी करी थी, हमारे बच्चों को भड़का रहे हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ आम पर खास बातें जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए इससे पहले कि हम जीवन साथी चुने। पॉइंट नंबर वन, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है। जीवन साथी चुनते समय किसी ऐसे इंसान का चयन करना जो आपके जीवन के सभी पहलुओं का सम्मान करे। अपने जीवन की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में करना मुश्किल है जो आपका, आपके व्यक्तित्व का अनादर करता है या जीवन में आपके आत्मसम्मान को महत्व नहीं देता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान होना हर जीवन साथी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना वो रिश्ता खोखला हो जाता है। पॉइंट नंबर टू, दोस्ती होना जरूरी है। सम्मान के साथ ही किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने में और मजबूत रखने में दोस्ती बहुत जरूरी होती है। दोस्ती होने से आप खुलकर उस इंसान से बात कर सकते हैं, किसी भी समस्या या फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ में करते हैं। महान मित्रता इस बात का आधार प्रदान करती है कि प्रेम क्या होना चाहिए। इसलिए इससे पहले कि वो इंसान आपका जीवन साथी बने, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या वो आपका एक अच्छा दोस्त बन सकता है या बन सकती है। पॉइंट नंबर तीन, एक दूसरे के प्रति ईमानदार और उदार होना। दोस्तों के साथ रहना हमें इसलिए पसंद होता है क्योंकि वो हमारे साथ ईमानदार होते हैं, भले एक दूसरे कितनी भी टांग खींचे, लेकिन जब दोस्ती की बात आती है ना, तब दोस्ती के रिश्ते में एक जो ऑनेस्टी होती है, जो ईमानदारी होती है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। जो एक शादी का रिश्ता है उसमें ईमानदारी और विश्वास की संस्कृति का होना बहुत जरूरी है। यदि कोई रिश्ता ईमानदारी और विश्वास की संस्कृति में निहित नहीं है तो वो निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। एक ऐसे जीवन साथी को चुने जो खुले दिमाग का हो और वक्त के साथ आगे बढ़ना जानता हो। पॉइंट नंबर चार, आपके जीवन मूल्य और विश्वास मिलने चाहिए। भैया 36 गुण मिले या ना मिले, कम से कम आपकी लाइफ में जो वैल्यूज है, जिन चीज की आप कदर करते हो, जो आपके बिलीव्स है, एटलीस्ट वो तो मैच होने चाहिए। हर इंसान के जीवन को लेकर कुछ विश्वास होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, और अगर आपके और आपके जीवन साथी के अगर एक दूसरे से अलग हैं, तो ऐसे रिश्ते की नींव ही मजबूत नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, अगर आप शादी के बाद में जॉब नहीं करना चाहते या जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपका जीवन साथी इसका उल्टा मानता है, उसकी थॉट्स अलग हैं, उसके वैल्यूज अलग हैं, तो फिर आगे बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसे समय पर रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आपका जो जीवन साथी है वो भी आपकी तरह ही सोचे, आपकी तरह ही उसके भी जीवन के मूल्य हों। यानी कि कहा जाए तो सोच का मिलना बहुत जरूरी है और इससे ही रिश्ता मजबूत होता है। पॉइंट नंबर पाँच, ऐसा जीवन साथी चुने जो आपका पक्ष लेना जानता हो, हर सिचुएशन में आप पर भरोसा करता हो। आपके संभावित जीवन साथी को आपके करियर को आगे बढ़ाने और आप दोनों की लाइफ में आगे बढ़ने को सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जो हर कंडीशन में आपका सपोर्ट करता हो, आपका पक्ष लेता हो, आप पर बिलीव करता हो। एक व्यक्ति जो आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना चाहता है, वो जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों के लिए वास्तव में समर्थन करता है। पॉइंट नंबर छह, रिश्ते को कितना टाइम दे सकता है वो या दे सकती है वो। शादी के लिए सही साथी चुनते वक्त एक ऐसे इंसान का चयन करना बहुत जरूरी होता है जो आपके लिए टाइम निकाले और आपकी जरूरतों के लिए
केयरफुल रहे, उनकी कदर करें। एक रिश्ता देखिए दो तरफा सड़क है, दोनों को साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, ऐसा जीवन साथी चुने जो आपके परिवार का सम्मान करता हो। देखिए अपना जो इंडियन फैमिलीज का जो कल्चर है वो एक बहुत अच्छा कल्चर है, इसमें परिवार का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आपका जीवन साथी आपके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं कर सकता तो हो सकता है वो शायद आपकी फैमिली के लिए या आपके लिए सही ना हो। आपका परिवार हमेशा आपके जीवन में एक प्रमुख हिस्सा रहेगा, क्योंकि उस इंसान के आने से पहले भी आपके लिए आपकी फैमिली सब कुछ थी, आप भी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ हो। तो ऑनेस्टली कहूँ तो अगर आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपके परिवार में दिक्कत होने वाली है तो हो सकता है आपका ओपिनियन क्या हो, मेरे हिसाब से तो नो रहेगा। और अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसको किसी पर थोप नहीं रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8, जीवन साथी जो आपको समझ सके। देखिए सम्मान और समझदारी एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। अगर आप अपने सपनों का पीछा कर रहे हो तो समान गुणों वाले व्यक्ति पर विचार करें। ऐसे में मान लीजिए आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज कर लेते हैं जो चाहता है कि भाई जिंदगी में थोड़ा बहुत मिल रहा है उससे मैं काम चला लूंगा, ज्यादा मुझे भागदौड़ नहीं चाहिए। लेकिन आपके वैल्यूज अलग है, आप सोचते हो जिंदगी में जितनी भागदौड़ करूंगा उतना ही मुझे ज्यादा मिलेगा, उतनी ही ज्यादा खुशी रहेगी, तो ऐसे में फिर गड़बड़ हो सकती है। आप दोनों इंसानों को किसी भी चीज को किसी भी तर्क को लगभग एक नजरिए से ही देखना होगा। पॉइंट नंबर 9, सबसे इम्पोर्टेंट, जो ना केवल एक जीवन साथी में होना चाहिए बल्कि एक इंसान में भी वो गुण होना चाहिए, और वो है कि गुस्से पर नियंत्रण हो। आपका संभावित जीवन साथी गुस्से पर कैसे प्रतिक्रिया करता है ये भविष्य की प्रतिक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक रिश्ते में अलग अलग व्यक्तित्व वाले दो लोग शामिल होते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि दो इंसान अच्छे हैं तो उन दोनों की जोड़ी भी अच्छी जमेगी। कभी कभी आपके पास में गलत या ना समझ से आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिससे नेगेटिविटी बन सकती है। आप एक दूसरे के बारे में हर्ट करने वाली बातें कह सकते हैं अगर आप गुस्सा करते हैं तो। यदि आपका भावी जीवन साथी गुस्से को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता है तो थिंग्स कैन गेट वर्स। अपने क्रोध को नियंत्रण करने या नियंत्रित करने की क्षमता एक अच्छे विवाह साथी के कुछ महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। पॉइंट नंबर 10, जो क्षमा करना जानता हो। क्रोध नियंत्रण के साथ ही क्षमा करने और भूलने का गुण भी देखना जरूरी होता है। गलतियां सबसे होती है और रिश्ते में थोड़ी बहुत लड़ाई भी चलती रहती है, लेकिन बातों को आपस में बैठ करके सुलझा लेना, बात करके सुलझा लेना और भूल जाना एक लंबे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा साथी पाने के लिए उत्सुक रहें जो अतीत में हुई असहमति पर ध्यान न दे। अब आते हैं सबसे मेन बात पर। देखिए पॉइंट तो कभी नहीं खत्म होंगे, 10 क्या 50 क्या 100 लिख लो आप, लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम पता कैसे लगाएं यार कि जिससे हम शादी करने वाले हैं उसमें ये गुण है कि भी नहीं। ये जानने के लिए मैं कुछ आपको तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले कि आप गेस करने की कोशिश करें, अनुमान लगाएं। देखिए हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम उनसे मिलते हैं 2 मिनट अगर बात करते हैं उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसका बैठने उठने का तरीका क्या है। देखिए हम जज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं बता रहे हैं, वो अपनी लाइफ में सही हो सकता है। आपको केवल इतना ऑब्जर्व करना है कि वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए या मेरे परिवार की जिंदगी के लिए सूट करता है कि नहीं करता, बस आपको केवल ये ऑब्जर्व करना है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि बात करें। देखिए मैं किसी भी धर्म या किसी भी परिवार की संस्कृति का पूरा सम्मान करता हूँ, तो अगर पॉसिबल है आपके लिए मिलना तो आप मिलकर के बात कीजिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मिलने पर ही एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जो शादी के पहले मिले भी नहीं है और उनकी बहुत अच्छी जोड़ी बनती है। आप ऐसे कितनों के माँ बाप हैं जो शादी के पहले मिले होंगे। किसी भी इंसान के स्वभाव के बारे में हम सही अनुमान लगा सकते हैं जब हम उससे बात करें। तो अगर आपके लिए मिलना पॉसिबल है तो आप उस इंसान से बातें करें, जैसे कि पसंद नापसंद क्या है, किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि उस इंसान के सोचने के तरीके और विचारों का पता चलता है। या फिर आप एक अपना एक प्रश्न माला तैयार कीजिए, आप कुछ क्वेश्चंस तैयार कीजिए और बातों बातों में वो सवाल जवाब करने की कोशिश कीजिए, तो इससे भी हो सकता है कि आपको उस इंसान की बहुत सी आदतों का पता लग जाए। आइए अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। सही जीवन साथी का चुनाव कैसे किया जाए ये एक बहुत ही मुश्किल निर्णय है। एक सुखी और स्वस्थ विवाह के लिए सही साथी को ढूंढना बहुत आवश्यक होता है। जीवन साथी को चुनना सुनने में जितना सुखद लगता है ना उतना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर आप नहीं चुन पा रहे हो तो भैया अपने माँ बाप पे ट्रस्ट कीजिए, उन्होंने आपका कभी बुरा नहीं किया है, अच्छा ही होगा सब। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास में भी है कोई ऐसा तरीका जो इस दुनिया के सबसे मुश्किल काम को आसान बना दे तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।